हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और सवाल क्या है एक्सेल का, आइए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डे है, फिर अराइविंग टाइम है और फिर डिपार्चर टाइम है। हमको टोटल वर्किंग आवर निकालना है। ये बहुत आसान है, कैसे कैलकुलेट होगा ये बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इज इक्वल टू लगा लीजिए और आप डिपार्चर टाइम को सेलेक्ट कीजिए। डिपार्चर टाइम का सेल एड्रेस आ गया है, माइनस लगाइए और यहाँ पर अराइविंग टाइम को सेलेक्ट कीजिए और प्रेस कर दीजिए एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यहां पर आपका वर्किंग आवर निकल आएगा बहुत ही आसानी के साथ। अगर आपका इस फॉर्मेट में नहीं आता है तो आप कंट्रोल के साथ वन प्रेस कीजिए अल्फा न्यूमेरिक की और यहां से आप ये जो फॉर्मेट आपका ऐसा आ रहा होगा तो आपने ये वाला सेलेक्ट कर रखा होगा, बाय डिफॉल्ट आपके में ये सेलेक्ट होगा ऊपर वाला। ठीक है, तो यहां पर आपका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का आ रहा होगा, तो आप इसे कंट्रोल कीजिए या फॉर्मेट पे क्लिक कर दीजिए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप। ठीक है, अब आपका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का आएगा। ओके, आई होप की बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से आप लीब्रा कैल्क में भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अराइविंग टाइम दिया हुआ है और डिपार्चर टाइम दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू का निशान लगाइए, डिपार्चर टाइम को सेलेक्ट कीजिए, माइनस लगाइए, फिर अराइविंग टाइम को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ वर्किंग आवर निकल आएगा। अगर आपका फॉर्मेट गड़बड़ हो रहा है तो आप कंट्रोल वन प्रेस करके इसको सही कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर कर सकते हैं।